दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। सोलन के चंबा घाट के समीप देर शाम एक अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है यह शव किसी युवक का है व इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। शुक्रवार देर शाम बच्चे चंबा घाट के समीप खेल रहे थे और खेलते खेलते बॉल नाली में जा गिरी। इस दौरान बच्चों को वहाँ एक व्यक्ति गिरा हुआ नजर आया, जिसके बाद बच्चों ने इसकी सूचना परिजनों को दी व स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजय राणा ने बताया कि चंबा घाट के समीप एक अज्ञात शव मिला है जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि शव को कब्जे में ले लिया गया है व क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे तो उनकी एक गेंद टाइप यहाँ पर इस नाले में गिरी इस जगह, तो उन्होंने जब उसको उठाने की कोशिश करी तो उन्होंने देखा कि नीचे कोई लेटा हुआ है। इस तरीके की सूचना आई हमें तो सिटी चौकी से यहाँ पर हमारी पुलिस आई और देखा यहाँ पर तो एक वाकई एक डेड बॉडी है। तो इसके ऊपर पूरा जाला बना हुआ था, उसको मशीन से काटा गया है, काट के उसके बाद फिर डेड बॉडी को बाहर निकाला है और यहाँ पर अंदर आने का भी और भी रास्ता है नहीं। पीछे की तरफ से एक ओपनिंग है बस, और भी रास्ता नहीं है। वही नाला पहले ऊपर से पानी लेकर आता था, वो हाईवे का जब से कंस्ट्रक्शन चला है तब से वो वाला रास्ता नहीं है, तो यहीं से शुरू है और आगे तक जाता है। तो कुछ खुलासा हो पाया कौन व्यक्ति है? अभी कुछ पता नहीं, अभी कुछ पता नहीं। प्रारंभिक तौर पर हिमाचली लग रहा है या? हाँ, लग हिमाचली रहा है। तो सर, ये देखने में कैसे प्रतीत हो रही है, कितने पुरानी डेड बॉडी है ये? ये अभी कुछ कह नहीं सकते, आजकल ठंड है तो ज्यादा दिन पुरानी जो डेड बॉडी है वो ही प्रिजर्व रहती है। गर्मी आओ तो जल्दी सड़ना शुरू होती है, इसलिए शायद यहाँ पर किसी को पता भी नहीं चला। गर्मी होती है तो बदबू आती है और पता चल जाता है। बॉडी को कब्जे में ले लिया गया है? कब्जे में ले लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और उसके हिसाब से देखेंगे आगे तक, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। पहला हमारा काम यही है कि ये व्यक्ति कौन है इसके बारे में पता चलें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से मोहिनी सूद की रिपोर्ट। प्रदेश के प्रतिष्ठित आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर्स ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत हर 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एस्प्रेसो कार सहित लाखों रुपए के इनाम जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का अवसर होगा। इसके अलावा ग्राहकों को हर खरीद पर निश्चित उपहार भी दिया जा रहा है। भूषण ज्वेलर्स प्रबंधन कुलभूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना में पहला इनाम मारुति एस्प्रेसो कार है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटायर कपल बैंड रखा गया है, तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप, पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम रखे गए हैं, हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके, इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे, किसी भी तरह के आभूषणों की खरीद पर ये कूपन मिलेगा। नवंबर तक ये योजना जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर्स से खरीदे आभूषण, जीते उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर्स सोलन। मुझे बड़े गर्व के साथ बताते हुए यह खुशी हो रही है कि हमें भूषण ज्वेलर सोलन को केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर वी के सिंह से प्राइड ऑफ नेशन का अवार्ड मिला है। हम हिमाचल की समस्त जनता व अपने बहुमूल्य ग्राहकों का धन्यवाद करते हैं।